नमस्कार। तो आज हम थोड़ा गंभीर मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इंडियन फुटबॉल में क्या हो रहा है। जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। रिसेंट में जो IWL 2 की घटना हमारे सामने निकल के आई है, उसको सुनकर आप बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने भी वो किया है वो शर्म से पानी नहीं होंगे, बिकॉज उनकी रियलिटी आपको नहीं पता है। तो आज मैं पूरी हिमाचल फुटबॉल के बारे में आपको बताऊंगा। IWL 2 के केस के ऊपर भी मैं पहले चर्चा कर लेता हूं। अब देखिए, मैं इसमें जज नहीं बन सकता कि कौन कितना सही है कौन कितना गलत है। यहाँ पर एक लड़की ने फिजिकल असॉल्ट का यहाँ पर जो है दावा ठोका है, जो हिमाचल के सेक्रेटरी है दीपक शर्मा, उनके ऊपर। तो मैं उनके बारे में आपको थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप खुद ये समझ सकते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति है और क्या उनकी जगह है हमारे इंडियन फुटबॉल में। और रही बात इस केस की कि जो फिजिकल असॉल्ट का जो केस है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी या कितनी झूठ बात है, ये फैसला पुलिस करेगी, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताता हूँ कि यहाँ पर कई लड़कियाँ जो है दीपक शर्मा जी का फेवर भी ले रही है। तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट की लड़कियाँ और हरियाणा की लड़कियाँ कभी भी इन व्यक्ति के अपोज में जा ही नहीं सकती, जाएगी ही नहीं, ये लिख लो। जिस लड़की ने उनको पर ये दावा ठोका है वो MP की है, उनका नाम पलक वर्मा है। और अगर ऐसा सच में हुआ है तो मैं उनके साहस की दाद देना चाहूँगा। ये बहुत बड़ी बात है इंडियन फुटबॉल की नहीं, ये भारत में बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति के खिलाफ बोलने का मादा रखते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत साहस की बात है। तो अगर ये बात, देखिए ऐसी बातें सच साबित करना बहुत मुश्किल होता है, ये आपको पता है मुझे ही पता है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो हम पुलिस के हाथों में सौंपते हैं। लेकिन इंसान के खिलाफ ये केस है, वो तो रात में गए और सुबह उनको बेल मिल गई। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छे पद पे, आपके कुछ अच्छे कनेक्शंस हैं, आप मनमर्जी कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप भी यही अपनी लाइफ में कोशिश करिए कि बड़े पद पे पहुंचे ताकि आप कुछ भी कर सकें। तो आज मैं बात करूंगा हिमाचल फुटबॉल के बारे में, और ये वीडियो हिमाचल के एक एक फुटबॉलर, एक एक फुटबॉल फैन तक जाना चाहिए, क्योंकि आपको सच्चाई पता होना चाहिए। और देखिए, मैं इस वीडियो में किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि क्या कोई इंसान डिजर्व करता है हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी पद पे, या सेम इंसान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भी दो पदों पर है, क्या वो डिजर्व करता है वहां पर, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो निभा सकता है, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर है। ये चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस ऑलरेडी है, और कुछ ऐसे एलिगेशंस भी हैं जो ये बताते हैं कि वो इस कुर्सी पर बैठना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि वो एक IWL 2 की टीम को लेकर आते हैं, ठीक है, खिलाने के लिए। उसमें ये कहा गया कि वो किसी भी वुमन, फीमेल जो है मैनेजर के साथ नहीं आए, लड़कियों के साथ वो अकेले आए, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसमें लड़कियों का कहना है कि उन्होंने शराब के नशे में थे, मतलब ड्रंकन स्टेट में थे। ये क्या बताता है, ये किस तरह की चीजें दर्शाता है? क्या ऐसे कोई, मतलब लड़कियों के साथ आपने कहीं देखा है लड़कियों के साथ केवल एक मर्द ट्रेवल कर रहा हो, मतलब कि किसी टीम में फीमेल वहां पर होती ही है? ये तो मतलब कोई इसमें सोचने और बोलने की बात ही नहीं है। पहली गलती ये होती है, ये यहां पर बताती है कि जिम्मेदारी से भागा गया है, जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई गई है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, मैं कैरेक्टर की जो बात कर रहा था, किस टाइप का कैरेक्टर, किस टाइप की सोच इनकी है, इनका मैं आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप स्टेटस दिखा रहा हूं, ठंड की तैयारी कर लीजिए। अब ये बताइए, ये जो चीज है इसको कहां पहनी जाएगी, ये क्या है? ये आप एक सेक्रेटरी के पद पे, आप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में आपके कुछ पोजीशंस हैं, आप इस तरह के स्टेटस लगा रहे हो, ये स्टेटस होना चाहिए आपके? ये आप, हो सकता है कई गर्ल्स इस स्टेटस को देखेगी, कई बच्चे इस स्टेटस को देखेंगे, ठीक है, ये एक शोभा देता है, ये लगाया आपने स्टेटस, इसको कहां पहनते हुए बता दीजिए, कहां पहने इसको? ये है, ये कैरेक्टर दिखाता है, ये अंदर की मानसिकता दिखाता है। क्या ऐसे इंसान को इतने बड़े पदों पर होना चाहिए? कल्याण चौबे साहब, आंसर दीजिएगा आप, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्या होना चाहिए? अब मैं आऊंगा तीसरे पॉइंट पर, इज ही क्वालिफाइड टू बी एट दैट पोजीशन? ये एक बहुत ही संगीन क्वेश्चन है, क्या वो क्वालिफाइड इनफ है? तो देखिए, सिंपल सी बात, मैं दो बातें आपको बताऊंगा। जिन्होंने इनको NIS में पास किया, आप उनसे जाके पूछेगा इन्होंने NIS कैसे पास करी, या इनके सीनियर्स से, या जिनके अंडर रहे हैं, जिनके गाइडेंस में ये रहे हैं,
उनसे पूछिए कि इन्होंने एनएएस कैसे पास करी। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ये आप खुद पता लगाइए, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने एक और डिग्री करी बीए की, मुंबई हिंदी विद्यापीठ जो एक है यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट पर कहीं जॉब नहीं मिलती, ठीक है। बहुत ही मसले चल रहे इस यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ही इज़ नॉट क्वालिफाइड इनफ टू बी एट दैट पोजिशन मेरे हिसाब से। एंड अगर आप जाएंगे क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो आप भी यही बोलेंगे, और ये मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है। मैं केवल एक जिम्मेदार पद के ऊपर क्या कोई व्यक्ति बैठ सकता है या नहीं, ये मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हमारे जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की शायद कमेटी भी है, वो भी इस चीज़ के बारे में बिना सोचे समझे शायद काम करती है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, विदाउट नो बिग एक्सपीरियंस, ओके, मतलब कुछ भी नहीं, देन कैसे कैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में दो दो पोजीशंस। ये तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ही इसका जवाब देगा। ट्विटर पर जाइए और क्वेश्चन पूछिए, और मिनिस्ट्री को जरूर टैग करना है। बिना मिनिस्ट्री को टैग किए बिल्कुल कुछ भी मत पूछना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लेता है, वो खाली दिखावा करता है, जो कि सच्चाई है। अब मैं आऊँगा चौथे पॉइंट पर, डिक्टेटरशिप। आप जाइए हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन के जो पोस्ट हैं उनके ऊपर, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तो आपको देखने मिलेगा 2010 के बाद प्रेसिडेंट तो बदले हैं बट जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे बदलाव नहीं हुआ है, वहां पर सेम इंसान कंटिन्यू कर जा रहे हैं। क्या ये सही बात है, क्या ये सही है? अब चलिए मैं इसके आगे बढ़ता हूं, क्या जनरल सेक्रेटरी साहब ने हिमाचल फुटबॉल में कुछ डेवलप किया है? अगर आप मेंस फुटबॉल पे भी जाएं, वुमेन्स फुटबॉल पे भी जाएं, आप देखिए क्या वहां पर बदलाव कुछ आपको देखने को मिला है। अगर आप बोलेंगे कि वहां पर एक लीग चालू हुई है, तो वो सब जगह चालू है, इट्स नॉट कि बहुत बड़ी बात हो गई है। ये बेसिक चीज है, बेसिक नीड्स है, लीग्स आना, ये बेसिक नीड्स है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना, क्योंकि आपके जो सेक्रेटरी साहब है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भी पदों पर है, तो क्या उसका फायदा कुछ मिला है पूरे हिमाचल को? नहीं, केवल पर्सनल फायदा मिला है, पूरे हिमाचल को कोई फायदा नहीं मिला है। आज भी हिमाचल के बॉयज एंड गर्ल्स यही पूछते हैं कि हम फुटबॉलर कैसे बने, क्लब में कैसे खेलें, आगे कैसे बढ़े। क्यों पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपने काम नहीं किया है। आप बता दो वहां पर एक अच्छा फुटबॉल फैसिलिटी हो तो इतने सालों में, नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज काम नहीं किया, या काम करने का सोचा ही नहीं ढंग से, अपने पर्सनल फायदे के बारे में सोचा गया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे संतोष ट्रॉफी में यहां पर स्कैम्स होते हैं, और ये सही बात है। देखिए इसके मैं प्रूफ नहीं दिखा सकता, लेकिन वहां की जनता बिल्कुल इस बात से एग्री करेगी, वहां के प्लेयर्स एग्री करेंगे, क्योंकि ये जो है ये अंडर द टेबल ये चीजें होती है, तो इसके कोई प्रूफ नहीं होते। लेकिन मैं फिर भी अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरे खिलाफ कुछ एक्शन भी कर लिया जाएगा, लेकिन आपको सच्चाई बताना मेरी जिम्मेदारी है। देखिए वहां पर क्या होता है, हिमाचल में क्या होता है, 25,000, अभी रिसेंट संतोष ट्रॉफी की बात मैं बता रहा हूँ, 25,000 रुपीज लिए गए थे दो प्लेयर्स से, एक प्लेयर ने ऑनलाइन पे किया था, एक प्लेयर ने कैश दिया था, और ये सच्चाई है। आप उन दोनों प्लेयर से पूछ सकते हैं अगर आपको मिले तो, ठीक है। 25,000 रुपीज लिए गए थे। और मैं हिमाचल में एक और बात बताता हूँ, नेशनल्स खेलने के बाद प्लेयर्स को डायरेक्टली सर्टिफिकेट भी नहीं दिए जाते, कुछ को दे दिए जाते होंगे जो क्लोज है, लेकिन लोगों से, प्लेयर्स से सर्टिफिकेट लेने के भी पैसे मांगे जाते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका भी इन्वेस्टिगेशन करिएगा, आपने कमेटी बिठाई है ना, इसका इन्वेस्टिगेशन भी करिएगा कि सर्टिफिकेट बेचना, मतलब एक प्लेयर ने अपनी जी जान लगाई, नेशनल्स खेला, उसका सर्टिफिकेट आया, उसके घर पे आना चाहिए, बट यहाँ पर सर्टिफिकेट भी खरीदो, ये क्या बात हुई? मतलब कि ये तो वाली बात हो कि मैंने 12th क्लास में एग्जाम दिए, मैंने पास किया, मैंने टॉप किया, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो बोलेंगे पैसे दे तो सर्टिफिकेट देंगे वरना जा। तो ये क्या सही बात है? क्या ऐसे व्यक्ति की मतलब इस टाइप की मानसिकता अगर है, इस टाइप की धांधलेबाजी चल रही है, तो क्या जनरल सेक्रेटरी होना सही बात है? नहीं सही बात है, ये बहुत दुख की बात है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, आपके इसके ऊपर थॉट्स हम चाहेंगे, आप सवाल पूछिएगा, टैग करिएगा मिनिस्ट्री को भी। इसके अलावा और भी चीजें निकल के आई है कि वहां की संतोष ट्रॉफी है जो नेशनल, जो वुमेन्स के भी अगर आप बोल सकते हैं, जो कैंप लगता है, कैंप में जो प्लेयर है वो आखिरी में टीम में होते ही नहीं, स्क्वाड में कोई दूसरे ही प्लेयर हो जाते हैं, ये कैसे? और ये मेरा नहीं, ये वहां के कोचेस का कहना है, जो आंखों से देख चुके हैं, आंखों से देख चुके हैं, उनके सामने हुआ है कि कैंप में जो प्लेयर है वो नहीं है, टीम कुछ और ही बन जा रही है। इसके अलावा दूसरी बात, आपकी टीम में क्यों मोस्टली जो है बाहर के प्लेयर्स होते हैं? आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपके, है ना, आपके स्टेट की टीम है, तो उसमें प्लेयर्स खेलने जाएंगे, तो
तो वहां के अखबारों ने आपके प्लेयर्स की तारीफ करनी चाहिए, आपकी टीम की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हिमाचल की टीम खेलती है तारीफ हरियाणा के न्यूज़पेपर में होती है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये कितनी गलत बात है। मतलब कि इंडिया की टीम खेलने गई है, तारीफ श्रीलंका के न्यूज़पेपर में हो रही है, तो ये कितनी गलत बात है। ये भी वहां पर हो रहा है, क्यों? क्योंकि हरियाणा के प्लेयर्स खेलते हैं और हरियाणा के प्लेयर्स इनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे और ऊना डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको चांस मिलता है। राइट, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके अलावा सेक्रेटरी साहब के ऊपर शिमला हाईकोर्ट में एक केस भी दर्ज है जो कि है बैलेंस शीट में स्कैम को लेकर, जो कि मैं आपको कुछ प्रूफ ऐसे दिखा सकता हूं जिससे आप उस चीज को समझेंगे कि केस, और वो वहां के हिमाचल के जो DFAs है उन मेंबर्स ने ही उनके खिलाफ केस किया है। मतलब उन्हीं के लोगों ने केस किया है कि इन्होंने बैलेंस शीट में स्कैम किया है, पैसों का इधर उधर हेराफेरी करी है। अब देखिए, कोविड फंड मिला था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भी RTI के माध्यम से बताया कि हमने हिमाचल को 18 लाख रुपए दिए थे कोविड फंड में, वो एक्चुअल में यूज कहां हुए, क्योंकि DFAs को केवल 5,000 रुपए दिए गए, हर DFA को 5,000 रुपए दिए गए, तो 18 लाख कहां गए, ये सवाल बहुत बड़ा। और इसका, ये 18 लाख रुपए कैसे खर्च किए गए, इसका कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है, इसीलिए शिमला हाईकोर्ट में केस दर्ज है। तो क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इस बारे में कोई जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन करिए कि वो जो फंड दिया था कैसे यूज किया गया, क्या पूछने की कोशिश करिए? नहीं करिए। इसमें फिर से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के से आप सवाल पूछेगा कि आपने क्यों नहीं पूछा, टैग करिएगा, मिनिस्ट्री को भी जरूर टैग करिएगा, क्योंकि हर बात मिनिस्ट्री को पता चलना बहुत जरूरी है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। बिकॉज अब एक ऐसी सिचुएशन है इंडियन फुटबॉल में कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कुछ भी नहीं होने वाला, ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, जो मैं आपको एक और खुलासा करता हूं कि एक टीम की मैनेजर कौन होती है। एक टीम की मैनेजर की कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, लेकिन यहां पर जनरल सेक्रेटरी की वाइफ जो है टीम की मैनेजर बन की जाती है हर जगह। क्यों, कैसे, क्या उनके पास क्वालिफिकेशंस है वैसी, मैनेजमेंट डिग्रीज है वैसी, या किस बेसिस पे जाती है, घूमने के लिए जाती है, ये सवाल है। आप देखिए, आपको टीम सीट्स पे नजर आएगा उनका नाम, उनकी वाइफ का, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे ये अथॉरिटी मिल गई? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वेयर आर यू? आपने इस बारे में जांच पड़ताल क्यों नहीं करी, क्यों क्वेश्चंस नहीं करे? किसी सेक्रेटरी की वाइफ टीम मैनेजर नहीं बन सकती है, कैसे बन सकती है? क्वालिफिकेशंस हो तो मे भी सोचा जा सकता है, बट नो क्वालिफिकेशंस, नो बिग एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग एनी टीम और एनी एसोसिएशन, देन कैसे? और ये हर जगह आपको दिखाई देगा। और ये भी आप देखिए कई जगहों पर कि इनकी वाइफ उनके फेवर लेती है अगर कुछ भी गलत होता है, तो ये भी देखा गया है, पहले भी देखा गया है। तो ये भी यहां पर एक, ये करप्शन की बुनियाद में ये भी आता है कि आप अपने ये परिवारवाद कहते हैं इसे, ठीक है, कि अपने वालों को आप लेके जा रहे हो। टीम में कौन खेलेगा? अपनी पहचान वाले। मैनेज कौन करेगा? अपने घर वाले। दिस इज नॉट राइट। कल्याण चौबे साहब, आप इस बारे में भी सोचिए। इसके अलावा एक और बात निकल के आई है कि विदाउट इन्फॉर्मिंग DFA डायरेक्टली टीम वहां पर स्टेट से रजिस्टर की गई है, जो कि यूपी की टीम थी। और यहां पर आप एड्रेस में भी देख सकते हैं किस तरह का गलत एड्रेस डाला हुआ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, देन ऊना हिमाचल प्रदेश। तो ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहां पर हेरा फेरी चालू है। और इन सारे, ये सारी चीजें एक है ना जनरल सेक्रेटरी के अंडर ही होती है, ये किसी और की मजाल नहीं है कि कर पाए। तो यहां पर मेरा सवाल यही है, जो मेरा नहीं है, जो पूरे भारतीय फुटबॉल फैंस का सवाल है, क्योंकि सभी में आक्रोश है जो चीजें हो रही है। एक तो वैसे हमारे इंडियन फुटबॉल का वैसे डाउनफॉल चल रहा है, अफगानिस्तान से हारी और सब चीजें चल रही है, उस बारे में मैं अलग डिस्कशन करने वाला हूं, अलग वीडियो में कुछ और खुलासे किए जाएंगे। लेकिन अभी जो बात है कि क्या एक ऐसी मानसिकता या इतने करप्टेड टाइप की जो चीजें हो रही है, जिस मतलब सेक्रेटरी से उनके स्टेट के DFA वाले ही खुश नहीं है, क्या वो इंसान ऐसी गद्दी पर बैठ सकता है, या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उनको दो दो पोजीशन कैसे दे सकता है? तो मेरा यहां पर, या मेरा नहीं कहना चाहूंगा मैं, सभी का, ये सभी की मांग है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, आप ऐसे व्यक्ति को उन जगहों से बिल्कुल निकालिए। हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं बननी चाहिए, और अगर जगह है, देन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। ये सच्चाई है। मतलब जो भी हो, IWL2 में लड़की के साथ अगर कुछ हुआ होगा, उसमें भी AFF जिम्मेदार होगा, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को रख रहे हैं अपनी एसोसिएशन में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और देखिए, मैं जो भी कह रहा हूं, ये फुटबॉल फैंस की आवाज है, तो इसका आप उस तरीके से लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये मैं कह रहा हूं, ये एक एक व्यक्ति यही चाह रहा है, यही कह रहा है, बस वो कह नहीं पा रहे, तो प्लेटफॉर्म ही है। तो इसके ऊपर हम चाहेंगे, और हम बहुत आगे तक जाने वाले हैं, हमको यहां पर जो है क्लीन
AIFF चाहिए, क्लीन इंडियन फुटबॉल चाहिए। और मैं आपसे भी चाहूंगा कि आपके साइड से भी आप ट्वीट करिए, क्योंकि आपके पास भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत आगे तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। ट्वीट करिए, ट्वीट में आप पीएमओ को टैग करिए, आप मोदी साहब को टैग करिए, आप अमित शाह जी को टैग करिए, आप अनुराग ठाकुर जी को टैग करिए, आप मिनिस्ट्री को टैग करिए, जिसको भी करना है सबको टैग करके आपके ट्वीट्स आना चाहिए और क्वेश्चंस पूछते रहिए बस। जब तक ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्लीन नहीं होता है, जब तक इंडियन फुटबॉल क्लीन नहीं होता है, जब तक करप्शन नहीं हटता है, जब तक एक करप्ट लोग नहीं हटते, आपको सवाल पूछते रहना है और मिनिस्ट्री को बताते रहना है कि हाँ हम भी जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम भारत के लोग सोए नहीं है, हम जाग रहे हैं और हमको क्लीन इंडियन फुटबॉल चाहिए, हमको वर्ल्ड कप में खेलना है। ऐसे नहीं खेल पाएंगे ये ऐसे धांधलियों के बीच, है ना। तो अगर सपने देख रहे हो तो सपनों को पूरा करने के लिए आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वरना ऊपर से लोग कुछ नहीं करने वाले, वो आपको ऐसे मामू बनाते रहेंगे और आप बनते रहेंगे। तो सवाल पूछना आपकी जिम्मेदारी है, डर के बैठने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। आपको पूछना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, ठीक है। और हम सभी मिलकर करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और चार लोग बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे कि अरे ये तो बोल रहे हैं क्लीन हो जाएगा, नहीं होगा। 140 कितने करोड़ हो चुके हैं ना, उसमें से जितने भी फुटबॉल फैंस हैं सबको मिलकर करना पड़ेगा, तब होगा। वरना फिर आप एक गेम को टारगेट करोगे कि उस गेम की वजह से ये गेम नहीं बढ़ पा रहा, तो आप देखिए कि उस गेम में अगर कुछ होता है ना तो पूरे के पूरे करोड़ों फैंस ऊपर आके एकदम चढ़ जाते हैं एसोसिएशन के ऊपर, तो वहां पर तुरंत चीजें पलट जाती है। तो यहां पर भी वैसे करना पड़ेगा। तो आप जो मैंने आपको बोला आप करिएगा, और वीडियो को जितना आप पहुंचा सकते हैं दूर दूर तक या पहुंचाइएगा, ठीक है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बस भारतीय फुटबॉल के पक्ष में बोलता हूं और बोलता रहूंगा, और मुझ पर कोई प्रेशर ना बनाया जाए, क्योंकि इसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह भारतीय फुटबॉल को तन मन से सपोर्ट करते रहें, बिकॉज धन से तो कोई और सपोर्ट कर रहा है तो उनको ही करने दीजिए, लेकिन आप आपका सपोर्ट जारी रखिएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।